जिला मुख्यालय के मुख्य डाकघर में बुधवार को डाक विभाग की ही रेगुलर डिपॉजिट एजेंट महिला के बैग से 1,00,000 रुपए की राशि चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के पीछे दो संदिग्ध महिलाओं का हाथ बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद डाक विभाग की रेगुलर डिपॉजिट एजेंट प्रेमलता ओहरी सदमे में है। पीड़ित रेगुलर डिपॉजिट एजेंट प्रेमलता ने बताया कि वह ग्राहकों से आरडी के रूप में ली गई करीबन 1,85,000 रुपए से अधिक राशि को डाकघर में जमा करवाने पहुंची थी। इसी दौरान डाकघर में ही किसी ने उनके थैले को ब्लेड लगाकर चुपके से 500-500 रुपए के नोटों की दो गड्ढियां निकाल ली। मामला सामने आने पर फौरन डाकघर में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला गया, जिसमें पीड़ित महिला के आसपास दो अन्य महिलाओं की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई, जबकि वे दोनों महिलाएं घटना के बाद से ही मौके से भी फरार बताई गई। प्रेमलता ने बताया कि उनके पास कुल राशि में से करीब 85,000 रुपए सुरक्षित बचे हैं। अपने पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करवाने आई थी, आरडी के बैच जमा करवाने आई थी, तो मैंने बैच 10:50 पर बैच अपने काउंटर पर रख दिए। काउंटर पर रख के फिर मैं अंदर चली गई एपीएम के पास, वहाँ मैंने किसी स्लिप आईडी निकालनी थी, वो निकालने लगी। 11:30 बजे मैंने कैश किया, मेरे पास पूरा 1,85,150 रुपये थे। 500 के 3 बंडल थे, 2,000 के 10 नोट थे, तो 500 के और 30 नोट थे और 10 के 15 नोट थे मेरे पास कुछ टाइम थे। फिर मैं मेरा कस्टमर आया, उसकी आरडी पूरी थी, उसको मैंने फिर मैं बाहर काउंटर पर आ गई, मतलब 12:00 बजे बाहर काउंटर पर आ गई, तो मैंने उसकी आरडी रिसीव करने लग पड़ी और बैग मैंने ऐसे ही अपने पास रखा था। उसके बाद 10 मिनट मतलब 12:10 पर मैंने कहा मैं इनको कैश दे देती हूँ आरडी के, उनको काउंटर पर। जब मैंने देखा तो उसने कट लगा था और मेरा 85,150 रुपया था, 2 बंडल 500-500 का ग्यारह बजे 1,00,000 रुपया, 500-500 का 2 बंडल 1,00,000। हमारे एक एजेंट है वो आरडी के ना जी प्रेमलता जी, उन्होंने यहाँ शिकायत की है कि मेरा यहाँ एक 1,00,000 रुपया जो है गायब हो गया मेरे बैग से जी। फिर हमने उसके छानबीन जहाँ की कैमरे में कुछ जो आपको तस्वीर दिखी है जी, यही शक पड़ रहा है। पुलिस को सूचना उस एजेंट ने दी थी अपने लेवल के ऊपर, पुलिस भी आई थी यहाँ पर, उन्होंने भी कैमरे में छानबीन की है, वो भी फिर छानबीन करके चले गए इसके कारण।